टेक्निक जिसको होपोनोपोनो प्रेयर बोलते हैं, क्या टेक्निक है, वो कैसे काम करती है, किस प्रकार उस टेक्निक से हम अपने रिलेशन को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अभी हमारे संबंधों में जो प्रॉब्लम है, जो हमारे रिलेशनशिप में इश्यू है, वो किस कारण से है, सबसे मेन पॉइंट पर आते हैं। क्योंकि किसी भी चीज को काम करने के लिए, जैसे हम किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं, यदि हमारे कोई बीमारी है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, सबसे पहले हमारा टेस्ट लिखता है, आइडेंटिफाई करता है कि हमें किस बीमारी है, किस वजह से हमारे शरीर में प्रॉब्लम है। तो आज हमारे रिलेशनशिप में जो इश्यू आया हुआ है, सबसे बड़ा रीजन क्या है, प्लीज शेयर करेंगे, पार्टिसिपेट कीजिए, प्लीज चैट बॉक्स के अंदर डालिए हमारे मेन रीजन क्या है, जो हमारे रिलेशनशिप के अंदर इश्यू आए हुए है। कोई इश्यू नहीं है, मैं चलो शेयर करता हूं। एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, मेन पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे, मेन बीमारी क्या है। एमआरआई करनी है हमने आज, सीटी स्कैन करके प्रॉपर डायग्नोसिस को फाइंड आउट करना है। एक्सपेक्टेशन नहीं है, एक्सपेक्टेशन एक छोटी बीमारी है, अहंकार भी डेफिनेटली एक पार्ट है, लेकिन उससे भी बड़ी चीज क्या है, चलो मैं शेयर करता हूं आपसे। जो मेन प्रॉब्लम है हमारे जीवन में, जो संबंधों में सबसे बड़ा इश्यू आज की डेट में आने का हमारा कारण है, जो हमारी सोल है, सोल के बारे में आई होप सभी जानते हैं, जो हमारी सोल है, उस सोल की बैटरी डिस्चार्ज होने के कारण हमारे रिलेशनशिप में इतना इश्यू आया हुआ है। कैसे आया हुआ है इश्यू, इसको डेप्थ से समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारी सोल है, किसी ने और चैट बॉक्स के अंदर कॉमेंट डाला है, टाइम नहीं दे सकते हैं दूसरे को, टाइम नहीं है डेफिनेटली है, लेकिन ये हमारी प्रॉब्लम है, लेकिन इन प्रॉब्लम के पीछे मेन रीजन क्या है, उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। उस मेन प्रॉब्लम का रीजन है, हमारी जो सोल है, आत्मा है, उसकी बैटरी है वो डाउन हो गई है। बैटरी कैसे डाउन, इन द सेंस ऑफ हमारी सोल की है जो सेवन क्वालिटीज है। सेवन क्वालिटीज कौन सी है, ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति, सुख और आनंद और शक्ति। ये जो सात शक्ति है, ये सात शक्ति बार बार जन्म लेने से, इंसान को अलग अलग प्रकार के कर्म करने से, ये जो बैटरी है वो डेड हो गई है, जिसकी वजह से हमारे रिलेशनशिप के अंदर इश्यू हो गया है। जब मोबाइल की बैटरी डेड हो जाती है तो मोबाइल कैसे काम करता है, बंद हो जाएगा, इसी तरह से काम करना स्टार्ट करेगा, ट्रोल में रहेगा, हमारे को टेंशन रहेगी, मोबाइल की बैटरी डेड हो गई, कैसे बात करेंगे हम। तो सेम चीज हमारे रिलेशनशिप के अंदर इश्यू होता है। हम क्या करते हैं, इस बैटरी को चार्ज करने के लिए जो सात क्वालिटी बताई मैंने, ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, सुख, शांति और आनंद, ये सभी को चाहिए, पहले नहीं चाहिए सभी को, एक सुखी जीवन को रहने के लिए पार्टिसिपेट कीजिए, प्लीज अपना कैमरा ऑन कीजिए, चाहिए ना, सभी को चाहिए ना, ये चाहिए तो कहां से मिलेगी, कुछ ना कुछ चीजें हमें इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी तभी मिलेगी। हमें सुख भी चाहिए, शांति भी चाहिए, अपने संबंधों में प्रेम भी चाहिए, तो ये कैसे मिलेगी। तो उन चीजों को पाने के लिए हम एक प्रोसेस से गुजरते हैं, हर एक इंसान एक प्रोसेस से गुजरता है, क्या करता है, इन चीजों को पाने के लिए, प्रेम को पाने के लिए, सुख को पाने के लिए, शांति को पाने के लिए, शक्ति को पाने के लिए कर्म करता है। कर्म कैसा करता है, कोई नौकरी करता है, कोई जो बिजनेस करता है, कोई अलग अलग प्रकार के हमेशा कोई ना कोई कर्म करता है, कोई सरकारी जॉब करता है, कोई प्राइवेट जॉब करता है, कुछ ना कुछ कर्म करता है ताकि मेरे जीवन में सुख शांति आए, मैं पैसा कमाऊं सुख शांति को। लेकिन जब उसको सुख पैसा कमाने के बावजूद में अगर सुख शांति जैसी चीजें मिलती, जो आज अमीर लोग हैं, जो मिलीनियर है, उनके जीवन में सुख शांति होती, लेकिन वही भी उसी पार्ट में भी कहीं ना कहीं जिसके पास अनलिमिटेड पैसा है, उनके रिलेशनशिप में इश्यू है, उसके पास भी शांति की कमी है कि नहीं है, यस या नो, यस के लिए ये है, नो के लिए ये। तो कमी होने के पीछे क्या कि डेफिनेटली हम कोई ना कोई गलत रास्ते को अपनाए हुए हैं, जिसकी वजह से हमारे जीवन में इश्यू बना हुआ है, ठीक है। तो उस कौन से प्रोसेस को हम अपनाते हैं, पहले समझते हैं और क्या गलती कर रहे हैं हम। पहला हम कर्म करते हैं, कर्म करते हैं। दूसरी चीज, हम संबंधों में अपेक्षा करते हैं, कि संबंधों में अपेक्षा क्या करते हैं कि भाई मेरा लाइफ पार्टनर मुझे प्रेम करे, मेरे पेरेंट्स प्रेम करे, मुझे सपोर्ट करे, कोऑपरेट करे, मैं कुछ ना करूं लेकिन जो मेरे रिलेशन में है वो सब मेरे से प्यार करे, सब चीजें करे, मैं उसको दूं या ना दूं ये मैटर नहीं है,
लेकिन अगले को मेरे को प्यार देना चाहिए, मेरे को सपोर्ट करना चाहिए, ऐसा ही होता है संबंधों में। जब यहाँ पे संबंधों से भी हमें नहीं मिलती, इस पार्ट को हम टॉपिक को गहराई से कवर करेंगे, संबंधों में जो अपेक्षा है हमारी एक्सपेक्टेशन है वो पूरी नहीं होती, उसके ऊपर आज हम पूरा का पूरा विषय उसी के ऊपर करेंगे, हम इसको ब्रीफ में कवर करते हैं। जब वहां से भी हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती, ये जो 7 क्वालिटीज बोली है उनकी बैटरी चार्ज नहीं होती, तो हम पूजा पाठ का रास्ता अपनाते हैं कि हम मंदिर में जाते कि हे भगवान अब तो मेरे जीवन में शांति दो, मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं आपको प्रसाद चढ़ाऊंगी, इस तरह की चीजें करते हैं हम, उस अंधविश्वास के रास्ते पर भी चलते हैं। जब यहां पर भी नहीं मिलती तो अपने आप को यूनिवर्स के सामने सरेंडर कर देते हैं, भाई जैसा भी यूनिवर्स करेगा हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे खुशी खुशी। नेक्स्ट स्टेप में जिस आदमी ने हमें परेशान किया उसको मारने तक की भी कोशिश करते हैं कि इस वजह, इस इंसान की वजह से मेरे जीवन में जो प्रॉब्लम आई है, इस इंसान ने प्रॉब्लम क्रिएट किया, इसको मैं खत्म कर देता हूं तभी मेरे जीवन में शांति मिलेगी। क्या ऐसा करने से शांति मिलेगी? यस या नो? डेफिनेटली नहीं मिलती है। फिर हम क्या करते हैं, तो क्या रास्ता है वो जिसकी वजह से हमारे जीवन में प्रॉब्लम आ रही है? हम तो संबंधों में अपेक्षा करते हैं कि हमारा लाइफ पार्टनर हमें सपोर्ट करे, हमें पेरेंट हमें समझे, हमें प्यार करे, हमारा दोस्त हमें प्यार करे समझे, हमें कोऑपरेट करे। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, यदि मुझे प्यार की जरूरत है तो जिससे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जिससे मेरे चाहना है कि मेरा लाइफ पार्टनर मुझे प्यार करे, मेरी बैटरी डेड है तो मेरे लाइफ पार्टनर की भी तो बैटरी डेड है ना। यदि बैटरी डेड है तो दूसरे चार्ज मोबाइल को कैसे चार्ज कर सकती है, दोनों की बैटरी डेड होगी। इसी वजह से आज रिलेशनशिप में इश्यू आया हुआ है कि हर एक आदमी गलत जगह से अपनी बैटरी को चार्ज करने की कोशिश कर रहा है। मेरी बैटरी डेड है, मैं चाहता हूं कि मेरा लाइफ पार्टनर मुझसे खूब प्यार करे, मैं करूं या ना करूं, लेकिन मेरे लाइफ पार्टनर की भी खुद बैटरी डेड है कि नहीं है, है कि नहीं, ऐसा ही है। जब ये चीजें हैं डेड है तो इसको चार्ज करने का क्या प्रोसेस है? चार्ज करने के प्रोसेस के ऊपर हम सिंपल में बात करता हूं, मेडिटेशन इस बैटरी को चार्ज करता है हमारे को। जब भी आप किसी भी प्रकार का ध्यान करते हो तभी मेडिटेशन से हमें शांति मिलती है, हमारे मन को सुकून मिलता है। जो बैटरी चार्ज करने का प्रोसेस मेडिटेशन के थ्रू किया जाता है, हम मेडिटेशन के पार्ट में नहीं जाएंगे। जो हमारा मेन टॉपिक है किस प्रकार हम अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूवमेंट करते हैं, उसकी डेप्थ में चलते हैं और गहराई में समझने की कोशिश करते हैं हमारे रिलेशनशिप में क्या हुआ है। जैसे चलते हुए नल के अंदर, टेप के अंदर चलता, जब पानी चलता है टेप से तो चलते चलते ब्लॉकेज आ जाती है, उसमें ब्लॉकेज आ जाती है तो क्या करना पड़ता है, उसकी सर्विस करनी पड़ती है। जब सर्विस करेंगे तो काम करने स्टार्ट हो जाता है। तो उसी प्रकार हमारे रिलेशनशिप में भी इश्यू आ गया है, उसे हमारा जो रिलेशनशिप है उसको सर्विस करने की आवश्यकता है, उसको क्लीन करने की आवश्यकता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कोई गाड़ी खराब हो जाती है, खड़ी खड़ी गाड़ी में जंग लग जाता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन की का जो रिलेशनशिप का इश्यू है उसके अंदर जंग लग चुका है, उसको क्लीन करने की जरूरत है, उसको साफ करने की जरूरत है, उसको रिपेयर करने की जरूरत है। तो आज हम उस टेक्निक को समझेंगे, किस प्रकार उस टेक्निक से हम अपने रिलेशनशिप को रिपेयर कर सकते हैं। जो चीजें आई है हमारे जीवन में, जो प्रॉब्लम आज चीजें आई है, ये जो विकार जो आपने बताया था स्टार्ट, जब हमने सेशन किया पूछा कि आज हमारे रिलेशनशिप में किस वजह से इतनी प्रॉब्लम आ रही है, तो आपने इन पार्ट को कवर किया था, अहंकार है, ईगो है, हम एक दूसरे को टाइम नहीं देते। तो ये जो 6 विकार है पावरफुल, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया और अहंकार, ये विकार की वजह से आज हमारे रिलेशनशिप के अंदर ब्लॉकेज आ चुकी है, जिसकी वजह से हमारे इतने लाइफ में इश्यू क्रिएट हो रहे हैं। कोई इंसान समझने को तैयार नहीं है, कोई मानने को तैयार नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं है, टाइम होते हुए भी माइंड सेट ऐसा बना लिया है, टाइम होते हुए भी टाइम नहीं दे पाते फैमिली को, क्योंकि माइंडसेट हमारा बिजी रहने का बन गया है। काम में हम बिजी रहेंगे या किसी भी चीज में हम बिजी रहेंगे, लेकिन हम कोई ना कोई रीजन फाइंड आउट कर लेंगे बिजी रहने का। आई होप सबको यहां तक क्लियर है। बिल्कुल सिंपल सी सिंपल टेक्निक के अंदर मैं बातें कर रहा हूं, जो प्रैक्टिकल चीज है उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं, एनर्जी के लेवल पर कैसे एनर्जी हमारे जीवन में ब्लॉकेज आई हुई है, कैसे हमारे रिलेशनशिप के अंदर इश्यू चल रहे हैं।
आई होप क्लियर है। यस कीजिए कमेंट्स, कैसे पता लगेगा मेरे को समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो। यस थैंक यू सो मच। अब ये जो ब्लॉकेज आ गई है इन विकारों के कारण, विकारों को तो हम नहीं मिटा सकते क्योंकि इन्वायरमेंट के अंदर इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं ये सब चीजें, लेकिन क्या कर सकते हैं हम अपने पार्टिकुलर एनर्जी को क्लीन कर सकते हैं, अपने रिलेशनशिप में आई हुई एनर्जी को क्लीन कर सकते हैं, चाहे वो हमारे लाइफ पार्टनर के साथ में हो, चाहे हमारे बच्चों के साथ में हो, चाहे हमारे कस्टमर के साथ में हो, चाहे हमारी बहू के साथ में हो, जैसे सास बहू के अंदर तनमन हो अनबन हो जाती है, तो किसी भी प्रकार के ब्लॉकेज को इस टेक्निक से क्लीन किया जा सकता है। तो क्या आप रेडी है उसको क्लीन को प्रोसेस जानने के लिए? थैंक यू सो मच। चैट बॉक्स में भी किसी ने कमेंट किया है। यस थैंक यू सो मच जयश्री जी। हमेशा हमारे पास में दो च्वाइस होती है, या तो हम प्रॉब्लम को लेकर उसके प्रॉब्लम को लेकर रोते रहे, जो हमारे जीवन में प्रॉब्लम आई है, जो हमारे रिलेशनशिप के इश्यू है, हम दूसरों के सामने अपना दुखड़ा रोते रहे, मेरा लाइफ पार्टनर अच्छा नहीं है, मुझे टाइम नहीं देता है, या मेरी मेरी बहू अच्छी नहीं है, या मेरा बेटा अच्छा नहीं है, मेरा कहना नहीं मानता। दूसरा ऑप्शन है उसके पास हम उसको रिपेयर कर दें, उसको ठीक कर दें, उसको ठीक करके और एक खुशहाल जीवन जिए और अपने रिलेशनशिप को और बेटर कर सके। तो वही टेक्निक मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। इस टेक्निक का नाम है होपोनोपोनो प्रेयर। होपोनोपोनो प्रेयर क्या चीज है इसको और डेप्थ में समझते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ये ब्लॉकेज को कैसे क्लियर करती है। ये होपोनोपोनो प्रेयर है हर एक प्रकार की जो जीवन में कोई एनर्जी के लेवल के ऊपर जो ब्लॉकेज आ जाती है, जिसको लोग ब्लैक मैजिक का भी नाम देते हैं, उस चीज को क्लीन करने का काम करती है, क्लियर करने का काम करती है, एनर्जी को रेक्टिफाई करने का काम करती है, रिपेयर करने का काम करती है, कोई गलत चीज हमारे रिलेशनशिप में आ गई है तो उसको डिलीट करने का काम करती है, इरेज करने का काम करती है, जो गलत चीजें उसको सही करने का काम करती है, और जो चीजें होती है उनको परफेक्ट बनाने के लिए मदद करती है। इतनी सारी चीजें ये एक पावरफुल टेक्निक करती है। वंस अगेन कमेंट चेक बॉक्स के अंदर टाइप किया है। थैंक यू सो मच रेनू जी। इस होपोनोपोनो प्रेयर का जो इजाद किया था डॉक्टर आई ह्यूलेन है, जो यूनाइटेड स्टेट के जो थेरेपिस्ट थे, थेरेपिस्ट होने के नाते यूनाइटेड स्टेट के अंदर इनको क्रिमिनल वार्ड का पेशेंट बनाया गया। डॉक्टर आई ह्यूलेन को क्रिमिनल वार्ड का इंचार्ज बनाया गया, सॉरी पेशेंट नहीं इंचार्ज बनाया गया। इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई डॉक्टर ह्यूलेन को, जितने भी क्रिमिनल है अप्रोक्सीमेट 300 क्रिमिनल थे, कि इन क्रिमिनल की देखभाल आपने करनी है। तो जैसे इनको इंचार्ज बनाया गया तो डॉक्टर ह्यूलेन ने क्या किया, जो क्रिमिनल थे उनकी फाइल को लेकर स्टडी करना आरंभ किया कि क्या किस वजह से ये क्रिमिनल बना इंसान, कैसे इसने इसका बचपन स्टार्ट हुआ, क्योंकि जब कोई क्राइम रेट करता है तो पुलिस उसकी पूरी केस फाइल बनाती है बचपन से लेकर। तब जब इसने केस फाइल पढ़ना स्टार्ट किया तो इसको रियलाइज हुआ कि केस फाइल पढ़ते पढ़ते उसके अंदर वो सेम क्रिमिनल एक्टिविटी जो एक क्रिमिनल के अंदर होती है, वो एक्टिविटी उसके अंदर जनरेट होनी स्टार्ट हो गई है। जब इसको रियलाइज हुआ तो उसने उस फाइल को रोक दिया रियलाइजेशन करने के बाद में। जब उसने रोक दिया उस फाइलों को पढ़ना रोक दिया तो उसने विचार किया, उसने रिसर्च किया कि यदि पढ़ने की वजह से अगर नेगेटिव एनर्जी आ सकती है तो पॉजिटिव एनर्जी को भी पढ़ के क्लीन किया जा सकता है, उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है, उसको रिपेयर किया जा सकता है। उसने उसी टेक्निक को उन क्रिमिनल पेशेंट को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया। कौन सी है प्रेयर? चार वर्ड का इस्तेमाल किया इसने। सबसे पहले तो जो नेगेटिव एनर्जी क्लीन हो गई थी तो उसे माफी मांगने का प्रोसेस किया, आई एम सॉरी। सेकंड प्रोसेस के अंदर प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, इस शब्दों का क्यों इस्तेमाल किया? सबसे पहले तो माफी क्यों मांगी कि हमारे जो रिलेशन होते हैं, दो इंसान के रिलेशन है, यदि दोनों का झगड़ा हो गया है, जब हम एक इंसान से माफी मांग लेंगे, यदि हमें वो माफ कर देगा तो हमें एक्सेप्ट कर लेगा, हमारी गलती को माफ कर देगा। तो इसने इस टेक्निक का इस्तेमाल किया, आई एम सॉरी, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इसका मैं प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट कराऊंगा अभी, कैसे करना है क्या करना है वो कराऊंगा मैं। इसको पहले नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
जब ये चीजें हुई तो हमने जब इसने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया डॉक्टर आई हुले ने, जो थेरेप जो क्रिमिनल पेशेंट थे, तो 3 साल के अंदर जो 300 पेशेंट थे वो 300 के 300 पेशेंट इस टेक्निक को सिर्फ इस्तेमाल करने से वो ठीक हो गए और उस कंप्लीट वार्ड को शटडाउन करना पड़ा, क्लोज करना पड़ा। क्रिमिनल पेशेंट था जो इतना खतरनाक पेशेंट था, इस टेक्निक से अगर ठीक हो गया तो डेफिनेटली लोगों ने इसको अलग अलग वे में इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, और जिस वे में भी लोगों ने इस्तेमाल करना स्टार्ट किया उसी वे के अंदर ये काम कर रही है। तो क्या आप लोग इसका एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, कैसे करना है इसको लोगों के साथ में? ओके, थैंक यू सो मच। एक्सपेरिमेंट कराऊंगा अभी, सबसे पहले थैंक यू सो मच सने जी। जस्ट रिलैक्स बैठकर लंबी सांस लेनी है, 3 बार लंबी सांस लिया छोड़ दिया, जस्ट बैठ जाइए रिलैक्स होकर, जस्ट रिलैक्स, आंखें बंद, रिलैक्स पोजीशन के अंदर, राइट हैंड ऑन योर हार्ट, अपने हार्ट के ऊपर राइट हैंड को रखना है। जो भी इंसान के लिए माफी मांगना है, जिस इंसान की नेगेटिव एनर्जी को आप क्लीन करना, थैंक यू सो मच सरला जी, आपने वर्ड्स, कैमरा ऑन कर लीजिए ताकि मैं आप लोगों को देख सकूं, डेफिनेटली आप सही पोजीशन में बैठोगे तो आपको बेटर रिजल्ट आएगा। जो कोई बाहर है तो डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं है, वो अपना कैमरा स्विच ऑफ रख सकता है। जस्ट रिलैक्स बैठिए, राइट हैंड ऑन योर हार्ट, लंबी सांस लीजिए, लंबा सांस लेकर छोड़िए। तीन बार लंबा सांस लेकर छोड़ने के बाद उस इंसान को विजुलाइज कीजिए जिस इंसान के लिए आपको नेगेटिव एनर्जी है, जिस इंसान के साथ में आप अपने रिलेशन अच्छे बनाना चाहते हैं। वो इंसान आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है, आपका बच्चा हो सकता है, किसी सास की बहू हो सकती है, कोई भी हो सकता है। टेक्निक सभी के लिए सेम ही काम करेगी, जिस भी इंसान के लिए करते विजुलाइज करने के बाद इन शब्दों को रिपीट करना है। जस्ट रिलैक्स पोजिशन के अंदर उसका नाम ले, पहले सबसे पहले उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, उस इंसान के अंदर जो भी हमारा रिलेशनशिप इशू है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। मैं लाइफ पार्टनर के साथ में कराता हूँ सबसे पहले, ठीक है, फिर हम अगर पार्टिसिपेट करेंगे फिर क्वेश्चन आंसर को लेंगे, पहले लाइफ पार्टनर के ऊपर उसको क्लीन करना को प्रोसेस को करते हैं। अपने लाइफ पार्टनर को विजुलाइज कीजिए सभी, आंखें बंद। जो कोई अनमेरिड है वो अपने पेरेंट्स को कर सकता है, अपने फ्रेंड्स को कर सकता है, अपने भाई बहनों को कर सकता है। जस्ट रिलाइज कीजिए अपने लाइफ पार्टनर को, आज मेरे साथ एक पार्टिसिपेट कीजिए, सनेलता जी आप पार्टिसिपेट कीजिए मेरे लाइफ पार्टनर के साथ में, मेरे लाइफ पार्टनर के साथ में आज मेरे जैसे भी संबंध है, आज मेरे जैसे भी संबंध है मैं उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, मैं उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। ये लाइफ पार्टनर के लिए हुआ। अगर यदि आपका झगड़ा हुआ है तो बोल सकते हो आप, मेरा मेरे लाइफ पार्टनर के साथ में झगड़ा हुआ है, मैं इसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। मेरा मेरे लाइफ पार्टनर के साथ झगड़ा हुआ, इसकी मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ। यदि आपके बहू के साथ में झगड़ा हुआ है तो उसके लिए बोल सकते हो, हर एक के लिए जो भी सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में है, मेरा बेटा मुझसे बात नहीं करता है, मैं इसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। जो भी आपकी सिचुएशन है उसको पहले रिपीट करना है, जो भी मेरे रिलेशनशिप में इश्यू है उसकी मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, ठीक है। तो लाइफ पार्टनर के वापस दोबारा फिर से आते हैं, मेरे संबंध मेरे लाइफ पार्टनर के साथ में जैसे भी हैं, मेरे संबंध मेरे लाइफ पार्टनर के साथ जैसे भी हैं उसकी मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, उसकी मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। अपने लाइफ पार्टनर का नाम लेना है, आई एम सॉरी माई लाइफ पार्टनर, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I'm sorry, Abhishek. I'm sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I'm sorry. Sir, how many times? 11 time कीजिए इसी process को। अपने life partner का नाम लेकर बंद आके relax के साथ में। मैं life partner ही बोलता हूँ। आप अपने life partner का नाम बोलिए, ठीक है? I'm sorry, life partner. Please forgive me. Thank you. I love you. आके उनको visualize करना है सामने, आपके सामने। Thank you. I love you.
I'm sorry, Abhishek. Visualization continue. Please forgive me. I love you. Thank you. I'm sorry, Abhishek. Please forgive me. Thank you. I love you. आई होप सभी का कंप्लीट हो गया। कैसा फीलिंग आ रहा है अभी? रिलैक्स रिलैक्स लग रहा है। एनीबॉडी हु वांट टू शेयर हर एक्सपीरियंस, जो कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, हाँ बोलिए प्लीज, बोलिए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सरला जी का ध्यान म्यूट कर दिया। रिलैक्स लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मन को शांति मिल रही है। थैंक यू सो मच गौतम। इसको करना होता है 108 बार, जो ये प्रोसेस है इसको 108 बार करना होता है, सुबह 108 बार, शाम को। यदि आपके ज्यादा रिलेशनशिप में इश्यू है, आपको लगता है ज्यादा जरूरत है, तो 3 बार भी कर सकते हो आप, दोपहर में भी कर सकते हो। यस करने के मन में भावनाएं आएंगी, वो आपसे बात करेगा, चाहे आपसे 6 महीने हो गए, चाहे 3 साल, कितने दिन भी हो गए आपसे बात नहीं किए, वो आपसे बात करने के लिए वापस आपसे फोन करेगा, संपर्क करेगा, या आप कॉल करोगे तो आपको फोन करेगा। आपकी रिस्पांसिबिलिटी भी लेती हूं। यहाँ पे किसी का कोई सवाल, कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है? ये आइडेंटिफाई किया है प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी लेवल के ऊपर प्रॉब्लम हो, उस प्रॉब्लम को इस पे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। आनंदमल जी, किसी का कोई क्वेश्चन है, पूछना चाहता है? हाँ, सरला जी, कुछ पूछना हो आपको किसी के बारे में, ये जो टेक्निक है कितने दिन में काम करती है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है, कैसे काम करेगी, नहीं करेगी, 100% काम करेगी, जो भी मन में सवाल है तो पूछ सकते हैं इसके बारे में। हाँ सर, मैं पूछना चाहती हूँ कितना टाइम लगेगा सब कुछ नॉर्मल होने में, सर इसमें टाइम लगता है या क्विकली इफेक्ट आता है इसका? जितना काम करोगे आप, एक दिन के अंदर भी रिजल्ट आ सकता है, कितना बड़ा इश्यू है उसी हिसाब से, मैक्सिमम 7 डेज के अंदर आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट होता है इसका। मेरे साथ में मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वो बताता हूँ आपको। साउथ की एक लेडी है मेरे पास में, एक स्टूडेंट है जो मेरा हीलिंग सेशन ज्वाइन करती है, उसके बेटी के साथ में कुछ ऐसा इश्यू हो गया था, जो बेटी के पास मारपीट भी हो गई थी और बातें नहीं थी पिछले 6 महीने से। जब उन्होंने मेरा हीलिंग सेशन ज्वाइन किया तो स्टार्ट किया, 7 डेज के अंदर उसकी बेटी का कॉल आया, कॉल ही नहीं आया, इवन उसकी बेटी उसके साथ में वापिस आकर रहने भी लग गई। उसने एक्सेप्ट कर लिया, जब आई तो बड़ी खुश थी वो लेडी। तो जो 6 महीने से बेटी बातचीत नहीं हुई थी, कभी फोन पे बातचीत नहीं हुई 6 महीने से, तो डेफिनेटली वो काम कर रही है। बोलिए प्लीज। हाँ बोलिए प्लीज। सभी को अलग अलग करना 11-11 बार या 21 बार या एक ही साथ में सबका नाम लेकर करना? एक इंसान के पास ऊपर पहले कीजिए, जैसे आपको अपने बेटे के लिए करना है, अपनी बहू के लिए, लाइफ पार्टनर के लिए, जिसके भी करना है, एक इंसान को पहले लीजिए, सुबह 108 बार उसको ठीक कीजिए, 108 बार जब करने के बाद में, जब यदि इनकेस अगर आपको लगता है कि करने की ज्यादा जरूरत है दूसरे इंसान के लिए, तो थोड़ा उसमें गैप दीजिए,
एक दो घंटे का गैप लीजिए करने के बाद, क्योंकि 108 बार जब करोगे आपके ब्रेन से पॉजिटिव वाइब्रेशंस, पावरफुल वाइब्रेशंस निकलनी स्टार्ट होगी उस इंसान के लिए। कितने दिनों में होता है सर? विद इन 7 days भी देखने को रिजल्ट मिलता है आपको। मैंने बताया तो 6 महीने का जो मेरे पास में रिजल्ट था, सबसे पावरफुल रिजल्ट वही था। तो 6 महीने के बाद में, जो 6 महीने से उसकी बेटी से कोई बातचीत नहीं हुई थी, वो बेटी उसके साथ में बातचीत ही नहीं करने लगी, बल्कि उनके साथ में वापिस आकर रहने भी लगी। सर ये ब्रेक का क्या बोल रहे थे आप? ब्रेक देने का क्या बोल रहे थे? ब्रेक देने का मैं बोल रहा हूँ, दो इंसान के बारे में करना है आपको, दो इंसान के बारे में करना है, अपने बेटे के, अपने लाइफ पार्टनर के लिए भी करना है, अपने बेटे के लिए भी करना है। तो थोड़ा सा उसके अंदर गैप चाहिए हमें, 1 घंटे का 2 घंटे का, क्योंकि जब आप 108 बार करते हो, 108 बार करने के बाद आपके ब्रेन से पॉजिटिव वाइब्रेशंस, बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस निकलती है और यूनिवर्स में जाती है। यूनिवर्स में जाने के बाद जिस इंसान के लिए कर रहे हो उसके, उस इंसान तक पहुंचती है। तो नेचुरल बात, 108 बार किया उसको थोड़ा टाइम लगेगा, आपके ब्रेन से कंटिन्यू निकलती रहेगी वो, इसलिए उसको बीमारी में कितना टाइम तक, सर ये बीमारी में कब तक फायदा देगी? हाँ बीमारी के अंदर भी डेफिनेटली काम करती है, बीमारी के अंदर भी, जैसे जो पार्टिकुलर चीज को लेकर, बहुत अच्छा सवाल पूछा है, कोई बीमारी है, सपोज करो कमर दर्द है आपका, तो आपने उसके लिए बीमारी के लिए भी इस्तेमाल करना है, आज मेरे कमर के अंदर दर्द है, मैं इसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, आई एम सॉरी कमर, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, वो जो नेगेटिव एनर्जी जनरेट हुई है वहां से उसको क्लीन करने में मदद करेगी और फास्टेस्ट तरीके से उसको रिपेयर करने, जो भी आपकी ट्रीटमेंट चल रहा है उसको चलने दीजिए, उसमें ब्रेक नहीं लगाना है। डिप्रेशन वाले के लिए कैसे करना डिप्रेशन वाले के लिए? हाँ डिप्रेशन वाले के लिए, भाई मैं डिप्रेशन का शिकार हूँ, मैं इसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, आई एम सॉरी, अपना नाम लेकर, वो ना अपना खुद के लिए नाम आ गया, क्योंकि इसमें खुद की प्रॉब्लम है ना, दूसरे की प्रॉब्लम नहीं है डिप्रेशन के अंदर। आई एम सॉरी, जैसे मैं अपना एक्सपेरिमेंट अपने आप को करके बताता हूँ, मुझे डिप्रेशन है, मैं इसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, आई एम सॉरी डॉक्टर मनोज, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी मनोज, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इसके साथ में डिप्रेशन के साथ में और जो हीलिंग की टेक्निक है उनको भी साथ में इस्तेमाल करोगे तो ज्यादा रिजल्ट आएगा। खाली एक टेक्निक ये तो एक अपने आप में पावरफुल चीजें हैं ही, दूसरी चीजें जो हीलिंग सेशन कराता हूँ उसके अंदर भी आपको बेहतरीन रिजल्ट आएगा। सर ये हम दूसरों के लिए कैसे करेंगे? डिप्रेशन एक दूसरा इंसान है तो उसके लिए बोलिए, जैसे कोई डिप्रेशन में है आगे वाला तो उसके लिए मुझे प्रेयर करनी है तो हम कैसे करेंगे? दूसरे इंसान के लिए करने के लिए बोल रहे हो तो हाँ जी, पहले जब आप दूसरे इंसान के लिए करने के लिए बोलते हो तो दूसरे के इंसान के बिहाफ पर करना है आपको, आप ये बोलना चाह रहे हो? हाँ जी भैया, हाँ जी सर, उसके लिए मैं करना चाहती हूँ, मैं उसके लिए ठीक करूँ उसको। ओके सर, सबसे पहले क्या होगा उसके अंदर, सबसे पहले अपने आप को क्लीन करना पड़ेगा आपको, 2-4 दिन अपने आप अपने काम कीजिए, अपने लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, मैं अपने आप को माफ करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, आई एम सॉरी मनोज, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। क्योंकि जब हमारी नेगेटिव एनर्जी खुद की क्लीन हो जाएगी तो हम उसको बेटर तरीके से कर पाएंगे, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप के अंदर, जैसे हमने नाम लिया कि अजय के लिए करनी है सपोज करो, तो उसके लिए कैसे लेना है, मेरे साथ में पार्टिसिपेट कीजिए अंजू। हाँ जी, हाँ जी सर, मैं रेडी, राइट हैंड ऑन योर हार्ट। आप लोग भी दूसरे इंसान के लिए करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हैं उस इंसान के लिए? अजय डिप्रेशन का शिकार है। अजय के बिहाफ पर मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। अजय के बिहाफ में मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। अजय भी एनर्जी है। मैं भी एनर्जी हूँ। इसलिए मैं उनके बिहाफ पर 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। इसलिए मैं उनके बिहाफ में 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। I'm sorry, Ajay. Please forgive me. Thank you, I love you. इसी प्रकार 108 बार आपको करना होगा दूसरे इंसान के लिए। ठीक है जी। राकेश जी जैन कुछ पूछना चाहते हैं? अपने आप कॉल म्यूट किया है आपने? नहीं नहीं सर, समझ में आ गया सर। हाँ और भी किसी को कोई जिज्ञासा हो तो कृपया अपना वीडियो चालू कर लें और आप अपने आप को
रूपाली जी हमारे साथ सूरत से जुड़ी हुई है, रूपाली जी कुछ पूछना हो तो आप अपने आप को अनम्यूट करके। हाँ, हाँ, मनोज जी आप बोलिए प्लीज बोलिए। मनोज जी हाँ, मेरी पोती थी उसको 2.5 साल की थी जब कैंसर हुआ था। ओके। तो अभी तो थोड़ी ठीक है वो, यानी पूरा उसमें से निकल गई है वो, तो उसके लिए करना रहा तो कैसे करना पड़ेगा? क्या नाम है पोती का, नाम बोलिए। अचीरा, अचीरा। एक मिनट मैं आपको भी पूछ लेता हूँ। अचीरा, अचीरा क्या बीमारी अचीरा को? कैंसर है अभी? लंग का कैंसर हुआ था उसको राइट साइड में, तो ऑपरेशन वगैरह हो गया, अभी वो ठीक है, तो भी उसके लिए यानी करना चाहती हूँ मैं। हाँ करना चाहते हो डेफिनेटली, उनका नाम देकर राइट हैंड ऑन योर हार्ट, अपने हार्ट पे हाथ रखिए, मैं करवाता हूँ प्रैक्टिस। हार्ट पे रखना कि लंग्स पे रखना? अपने हार्ट पे हाथ रखिए। हाँ आपने उनके बिहाफ पर करनी है ना। हाँ आपकी पोती है अचीरा? अचीरा, मेरी पोती अचीरा। मेरी पोती अचीरा को ब्लड कैंसर हुआ है, लंग्स, लंग्स, मेरे लंग्स में कैंसर हुआ है, उसके लंग्स में कैंसर हुआ है। मैं उसके भी यहाँ पर 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। मैं उसके 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। मैं उसके बिहाफ पर 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। वो भी एनर्जी है। मैं भी एनर्जी हूँ। I'm sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. हाँ, आपने उसका जो लंग का पोर्शन है, लंग्स का पोर्शन है, उसकी तरफ देख के सुबह और शाम 108 बार करना है कम से कम। सुबह और शाम 108 बार। 108 बार। डेफिनेटली उसको फास्टेस्ट तरीके से रिकवर होने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। नहीं रिकवर हो गई है, रिकवर हो गई है वो, पर उसके लिए भी आगे के लिए भी अच्छा करना अच्छा रहेगा। हाँ डेफिनेटली क्लीन कर दोगे जो नेगेटिव एनर्जी है वो क्लीन हो जाएगी, तो डेफिनेटली उसको बेनिफिट देगी। और उसके साथ में एक अफर्मेशन और कीजिए, मेरी बेटी स्वस्थ है, फिट है, हेल्दी रहती है, हमेशा खेलती है। मेरी बेटी स्वस्थ है, फिट है, स्वस्थ है, खेलती है। नोट कर लीजिए, मेरी पोती स्वस्थ है, फिट है, स्वस्थ है, हेल्दी है, मेरी पोती के लंग्स अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। मेरी पोती के लंग्स अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। मेरी पोती परमात्मा की छत्र छाया में सुरक्षित है। मेरी पोती परमात्मा की छत्र छाया में सुरक्षित है। हेलो सर। हेलो सर। हाँ बोलिए बोलिए विभाजी बोलिए प्लीज। खुद की हेल्थ के लिए कैसे करना? खुद की हेल्थ के लिए जैसे कोई हेल्थ का अगर पार्टिकुलर लेते हो तो पार्टिकुलर भी चीज का नाम ले सकते हो, क्योंकि किडनी का प्रॉब्लम है मुझे। किडनी का राइट हैंड ऑन योर हार्ट, मेरे साथ में पार्टी की स्थिति में पकड़ा देता हूं ऊपर आपको। मुझे किडनी का प्रॉब्लम है, मुझे किडनी का प्रॉब्लम है। मैं इसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। अपनी बंद आंखों से अपनी किडनी को विजुलाइज करना है आपने। आई एम सॉरी किडनी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव। आपका ध्यान कहाँ पे होगा? किडनी के ऊपर, आपकी किडनी के। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। राइट। हाँ राइट। ऐसे 108 बार सुबह शाम करोगे, जो आपका ट्रीटमेंट चल रहा है उसको कंटिन्यू कीजिए, उसमें आपको फास्टेस्ट तरीके से रिपेयर होने में, उसको परफेक्ट करने में, उसको हेल्दी बनाने में मदद मिलेगी। साथ में आप अपना अफर्मेशन भी करनी है, मेरी किडनी, मैं स्वस्थ हूँ, फिट हूँ, मेरी किडनी भी स्वस्थ है, फिट है, फुली फंक्शनल है, मैं परमात्मा की छत्र छाया में सुरक्षित हूँ। हेलो सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हेलो मनोज सर, मैं मेरा एक्सपीरियंस बोलना चाहती हूँ। आप प्लीज। हाँ विद्या जी बोल रही हूँ। विद्या जी बोलिए, एक सेकंड बस। कुछ रहे सर, मेरे घर में थोड़ा हेल्थ इश्यू था, मैंने आपसे बात भी की थी, लेकिन आपने जो अफर्मेशन बार बार बताए वाले थे वही अफर्मेशन मैंने चालू ही रखे, सुबह में उठते समय और रात में सोते समय।
तो इतना अच्छा रिजल्ट मिला है, अभी मेरे फादर इन लॉ भी अच्छे भी है, उनकी तबीयत रिकवर भी है, और घर में जो बिल्कुल अशांति से आ गई थी, एक डर सा आ गया था, वो डर भी थोड़ा कम हो गया है शायद हम सब का। एक क्या बोलते हैं उसमें कि मेरे पति भी थोड़े डिस्टर्ब हो गए थे, तो ये अफर्मेशन मैंने सबसे करवाई और आपके सेशन भी मैं करवाना चाहती थी, लेकिन अभी थोड़े डिस्टर्ब है तो कोई मूड में नहीं था, तो अफर्मेशन बोली थी आपकी जो आपने पहले हमें भेजी थी, और उनका विश्वास भी आ गया है कि सही है, ये सही काम कर रहा है, सही काम करती है। तो ये पॉजिटिव रिजल्ट मुझे बहुत दिनों से आपको बोलना था, लेकिन ये क्या है कि मेरे घर में थोड़े से रिलेटिव्स आने वाले थे तो बहुत गड़बड़ चल रही थी, लेकिन आज मैं टाइम निकल के इसलिए अभी अभी ये सेशन में आई थी कि ये पॉजिटिव रिजल्ट आप सबको मालूम होना चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच विद्या, थैंक यू सो मच। हेलो सर, मैं रूपाली बोल रही हूँ। हाँ यस सर, मैं ये चाहती हूँ कि मैं मेरे भी मैं थोड़े सेशंस ऐसे करवा लेती हूँ, अलग अलग थोड़े अलग अलग लेवल पे मैं करवाती हूँ, थोड़े से माइंड ट्रेनिंग के माइंड पैटर्न के हिसाब से मैं थोड़ा करवाती हूँ। कोई एक रिलेशनशिप के इश्यू सामने वाले को है तो उसके लिए वो दोनों को एट ए टाइम देना है, एट ए टाइम बैठ के करवा सकती हूँ कि अलग अलग दे सकते हैं, और 108 टाइम करना जरूरी है क्या ये अफर्मेशन आपने जो बोले? मुझे पता है ये टेक्निक पहले भी मैंने यूज की हुई, आई नो अबाउट दैट ओपोनोपोनो टेक्निक, मैंने लास्ट ईयर भी मैंने करवाए थे सेशन इसके, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि 108 बार बोलना जरूरी है क्या सर? उनको टाइम लिमिट नहीं होता है क्योंकि जो वर्किंग है उन लोगों के लिए मैं कैसे करवा सकती हूँ? स्टार्टिंग में दो चीजें पूछी आपने, एक तो क्या आमने सामने बैठाना जरूरी है? हाँ क्या जिस इंसान के लिए आप बोल रहे हो उसके लिए बात कर रहे हो या कोई भी दो स्टूडेंट की बात कर रहे हो आप? नहीं मैं दो एक कपल की बात कर रहे हो, उनके रिलेशनशिप के बारे में मुझे कर। कपल में क्या होता है, जब कपल की आप बात करते हो तो हो सकता है कि वो माने या ना माने, दोनों एक साथ बैठने के लिए माने या नहीं माने। डेफिनेटली अगर दोनों एग्रीड होते हैं करने के लिए तो डेफिनेटली उनकी एनर्जी फास्टेस्ट तरीके से क्लीन हो जाएगी, ये गारंटी से। लेकिन अगर भी नहीं भी मानता है तो वो उसको विजुलाइज करे, जो भी एग्रीड है, जो अपने रिलेशन को इम्प्रूवमेंट करना चाहता है, जो भी रिलेशन होता है उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए आप उसका कुछ विजुलाइजेशन नहीं होता तो फोटो का टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो, सामने फोटो रख सकते हो उसका। ओके तो फोटो देखने के बाद करोगे तो स्टार्टिंग में दो चार दिन कम से कम 108 बार करनी कंपलसरी है। 108 बार करने के बाद 51 बार करोगे, 21 बार करोगे, चलते फिरते भी करोगे तो भी काम करेगी। स्टार्टिंग में 108 बार करनी दो चार बार जरूरी है। स्टार्टिंग में ज्यादा नेगेटिव एनर्जी होती है, जब आप कम हो जाएगी उसका जो प्रेशर है कम हो जाएगा तो कम बार भी की हुई उस पर काम करेगी। हाँ मैं अभी डेफिनेटली मैं करवाऊंगी और आपको रिजल्ट बताऊंगी, क्योंकि श्योर मेरे चल रहे अगले सेशंस, तो मैं सोचती हूँ कि ये एक मैं अप्लाई करने का सोच रही हूँ। और स्टूडेंट्स के लिए हम कैसा कर सकते हैं, स्टूडेंट्स के एंजाइटी दूर करने के लिए? स्टूडेंट की एंजाइटी दूर करने के लिए आप पावरफुल अफर्मेशन का इस्तेमाल कर सकते हो। मैं क्या टेक्निक इस्तेमाल करता हूँ मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। ओके सर, स्टूडेंट के साथ में मैं स्टूडेंट के साथ में चार हीलिंग के दौरान चार पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करता हूँ। Okay. तो मेरे हीलिंग सेशन चलते हैं, क्यों मेरे हीलिंग सेशन के अंदर रिजल्ट आ रहे हैं मैं रिजल्ट शेयर करूंगा, जैसे इन्होंने किया विद्या जी ने। सबसे पहले तो मेडिटेशन अपने आप में सबसे पावरफुल चीज है, लेकिन मेडिटेशन हर एक लोग इंसान नहीं कर पाते हैं। मेडिटेशन की पावरफुल टेक्निक तो मैं अपने स्टूडेंट के साथ में इस्तेमाल करता हूँ, जिससे सात क्वालिटीज ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, सुख, शांति, आनंद और शक्ति, ये सात क्वालिटी डेवलप होती है मेडिटेशन के प्रोसेस से। उसकी बैटरी को चार्ज करता हूँ, जैसे बैटरी चार्ज स्टार्ट होने लग जाएगी तो डेफिनेटली उसको रिजल्ट मिलेगा। दूसरी टेक्निक जो इस्तेमाल करता हूँ मैं, उसको गोल को अचीव करने के लिए इस्तेमाल करता हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक को। ओके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक क्या है? जो आपको चाहिए, कितना चाहिए, आपको पैसे कमाने, अपने करियर के अंदर ग्रोथ करनी है, आपके रिलेशनशिप को और बढ़ाना है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक काम करती है। इस टेक्निक को मैं इस्तेमाल करता हूँ। आप गोल के अंदर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो, आप 1.5 लाख रुपए कमाना चाहते हो, आप 50,000 रुपए कमा रहे हो, आप कुछ नहीं कमा रहे, कुछ कमाना चाहते हो, आप 10,000 रुपए कमा रहे हो, हमेशा पिछले 5 साल से 10 साल से उतने पे ही रुके हुए हो, आप दुकानदार हो या कोई भी है, इस टेक्निक को मैं इस्तेमाल करके उसके बिजनेस के अंदर ग्रोथ करवाता हूँ। ओके, थर्ड पार्ट के अंदर मैं ब्रेन के साइकोलॉजी रूल है, ब्रेन के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करता हूँ।
ब्रेन को सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने की क्या आवश्यकता है, जैसे एक लैपटॉप पुराना लैपटॉप है वो कितने दिन चलेगा, नया सिस्टम आ रहा है हर सेकंड के अंदर सिस्टम चेंज हो रहा है, तो इस प्रकार से लैपटॉप को मोबाइल को सिस्टम को अपग्रेड करने की जरूरत होती है, ठीक उसी प्रकार से हमारे ब्रेन को भी सॉफ्टवेयर के अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने की जरूरत होती है, क्योंकि समय की डिमांड है वो, हम क्या कर रहे हैं पुराने सॉफ्टवेयर के साथ में आज की नई समस्याओं का समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस टेक्निक का इस्तेमाल करता हूँ। फोर्थ टेक्निक जो होपोनोपोनो मैंने आपके साथ में शेयर किया, नेगेटिव एनर्जी को क्लीन करने का काम करता हूँ, इन चारों पावरफुल वेपन के साथ में मैं अपने क्लाइंट के साथ में काम करता हूँ। तो ये सर एट ए टाइम नहीं होगा ना, पहले पावरफुल टेक्निक्स मेडिटेशन आएगा, फिर सेकंड डे दूसरा आएगा, मैं सारी चीजें एक साथ कॉम्बिनेशन से करता हूँ। ओके ओके ओके, मींस एट ए टाइम ए फोर। सर सेवन क्यू चार्ज मींस क्या होता है उसमें, सेवन क्यू में सेवन क्वालिटी जो बताया, ज्ञान पवित्रता, नोट कर लीजिए, ज्ञान पवित्रता प्रेम ओके सुख शांति आनंद और शक्ति, ये सात क्वालिटी चाहिए इंसान को। हाँ ये बेसिक है, ये क्वालिटी है, इन क्वालिटी की ये क्वालिटी नहीं होने की वजह से आज इंसान डिस्टर्ब है, टेंशन में है, एंजाइटी है, उसको परेशान है। यस, जब ये क्वालिटी उसके अंदर आने लग जाएगी तो उसका स्ट्रेस दूर होने लग जाएगा, अपने आप को पावरफुल महसूस करने लगेगा, अपने जो जिस फील्ड में बेस्ट देना चाहता है वो बेस्ट दे पाएगा। ओके ओके, मींस मेडिटेशन में ये पहले सेवन क्यों करना है, फिर गोल को उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन करना है, फिर ब्रेन के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना है, लास्ट में ओपन ओपो टेक्निक यूज करना। नहीं आगे पीछे कोई भी चीजें करो आप, मेंटर नहीं करता है ये। okay. तो मैंने आपको अपना बताइए कि चार चीजों के साथ में काम करता हूं, हम आगे पीछे उसको कर सकते हैं, पहले ओपन ओपो करके एनर्जी थोड़ी सी पॉजिटिविटी करने के बाद भी मुझे लगता है ये काम करेगा। हाँ डॉक्टर, आगे पीछे कर सकते हो आप, कहीं पे भी आप बीच में करोगे, क्योंकि अगर हम फाउंडेशन डाल देंगे, मैंने बोल दिया आपको भाई लास्ट में करना है, तो आप लास्ट में रहेगा, एक्चुअली में क्या होता है सिस्टम के अंदर लोग बाग बाउंडेड कर देते हैं आपको, ये काम नहीं करना आप इसको पहले करना है, ऐसा नहीं करना, आप जो भी काम करते हो जो भी करोगे काम करेगा बस, सिंपल। क्योंकि बच्चे सामने बैठना चाहिए ना उतने टाइम पे, बच्चों के लिए थोड़ा चंचल होता है उनका। ओके थैंक यू वेरी मच सर, मैं आपके आभारी हूँ। एक एक्सपेरिमेंट करता हूं मैं, आप जो आप चीजें करते हो मैं आपके साथ में एक लिंक शेयर कर रहा हूं। हाँ एक लिंक शेयर कर रहा हूं, आपने अभी तक अपनी लाइफ के अंदर, मैं सेशन बोलता हूं, एक जस्ट होल्ड डाउन, आपने अपनी लाइफ के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट कर दिया है इन चीजों को ठीक करने के लिए, कितना टाइम वेस्ट किया है। ओके इसे भिजवा के डलवा, कितना टाइम वेस्ट किया, कितना कंप्रोमाइज किया, कितना पैसे वेस्ट किए हैं, वो आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा अभी सामने। ओके चैट बॉक्स के अंदर मैं डाल रहा हूँ। हाँ हाँ इस फॉर्म को फिलअप कीजिए, जो भी आपने अपनी लाइफ के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट किया है, कितना टाइम वेस्ट किया है, वो सब चीजें आपके सामने निकल के आ जाएगी अभी। अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, अपने जो हमारे जीवन में जितने इश्यू चल रहे हैं सब चीजों को लेकर हम कितने स्ट्रगल करते रहते हैं। ओके इस फॉर्म को फिलअप कीजिए, तब तक और क्वेश्चन आंसर लेते हैं हम, जो कोई क्वेश्चन आंसर पार्टिसिपेट करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का कोई है? ट्रेल कैलकुलेशन शीट। और किसी की कोई जिज्ञासा हो तो? नहीं तो डॉक्टर साहब हेलो सर। हाँ सर आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है, बोलिए सर, बोलिए प्लीज। हाँ बहुत बढ़िया। अपने संबंधों को कैसे सुधार सकते हैं हम? देखिए आजकल हर घर में सास और बहू के बीच पटती नहीं है, झगड़े चालू रहते हैं, घर घर की कहानी जैसे कहते हैं, तो निश्चित रूप से ये जो तकनीक आप बता रहे हो इससे उनमें संबंधों में निश्चित रूप से सुधार आ सकता है। 100% गारंटी लेता हूँ मैं आनंद जी, मल जी, मैं जो मैं काम करता हूँ हीलिंग का टेक्निक का काम कर रहा हूँ, मैं 100% गारंटी के साथ में काम कर रहा हूँ, वो डेफिनेटली मेरे पास में उस चीज के रिजल्ट है। यदि सिर्फ इच्छा होनी चाहिए इंसान को कि मैंने ठीक करना है, इस टेक्निक को सिर्फ एक टेक्निक मैंने शेयर की है उसको इस्तेमाल करोगे तो रिजल्ट आएगा। बहुत बढ़िया। अभी घर घर की कहानी मैं जैसे बता रहा हूँ, घर घर में आज सास बहू के बीच झगड़े हैं बहुत ही ज्यादा, पति पत्नी में भी आजकल झगड़े बढ़ गए हैं, तो आजकल तलाक के मामले पे बहुत ज्यादा आ रहे हैं, बहुत ही ज्यादा तलाक के मामले आते हैं, पड़ती नहीं है, तो उनके लिए अब अगर
पति पत्नी दोनों नहीं चाहते हैं, एक ही जना आकर संबंध सुधारना चाहते हैं, तो वो फिर आपने बताया वो भी पॉसिबल है, वो भी पॉसिबल है, वो भी पॉसिबल है, लेकिन उसको थोड़ा दादा करना पड़ेगा। जैसे 108 बार दो बोला है, 3 बार करेगी, 4 बार करेगी। 67 ईयर के मेरे पास में एक है लेडीज जिसके रिलेशनशिप में इश्यू आया, जो भी था हस्बैंड के साथ में जो रिलेशनशिप इश्यू हुआ, उसने सिर्फ फॉलो किया दिन रात, उसने उसके ऊपर एफर्ट्स काम किया। आज उसका हस्बैंड उसकी रिस्पेक्ट भी करता है, दोनों में संबंध भी अच्छे हो गए, सब चीजें हो गई। तो अलग अलग टाइम के, एज के, सब चीजों के रिजल्ट है मेरे पास में। काम करता है, तात्पर्य है कि अगर पति और पत्नी दोनों अगर चाहे तो जल्दी संबंध ठीक हो सकते हैं, समय उसमें बहुत कम लगेगा, बिल्कुल फास्टेस्ट तरीके से हो जाएगा वो। जी बहुत बढ़िया। जतन जी आपको कुछ पूछना है? जतन जी तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जतन जी भी। जय श्री जी पूछ रहे, जय श्री जी बोलिए प्लीज जी, बोलिए बोलिए। हाँ सर, एक्चुअली अभी जैसे आनंद सर ने बताया था कि अगर वो वन साइडेड हो, कि समझ में आ रहा है कि वो रिलेशन सुधारने का प्रयास है या जो भी है, वो वन साइडेड हो रहा है, सामने वाले तरफ से नहीं है, तो बहुत बहुत रिलेशन ऐसे होते हैं जो मैटर करते हैं, जैसे फैमिली है, और बहुत ऐसे होते हैं जो फ्रेंड्स है, जो एक पॉइंट के बाद लगता है कि एक साइड से क्यों है ना, कि उतना, तो उनको क्या करना चाहिए सर, कि उसके बारे में। और जैसे इमोशनल, जैसे मैं बहुत ज्यादा ओवर सेंसिटिव हूँ, बहुत ओवर इमोशनल हूँ, चाहे कोई भी रिलेशनशिप हो, मुझे लगता है कि वो मेरी तरफ से कभी भी वो फॉरएवर ही होता है, मेरी तरफ से कभी भी वो नहीं लगता है कि ये टेम्पररी होना चाहिए, तो उसमें क्या करना चाहिए सर, मतलब ये क्या बहुत ओवर थिंकिंग है या उस चीज को इसके साथ में आप एक टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हो, जो आपके ओवर जो से रिलेशनशिप है, आप दूसरे के साथ विश्वास करके आप उसके साथ रिलेशन तो बना लेते हो, लेकिन वो रिलेशन टिकता नहीं है, या वो आपको चीट कर जाएगा या निभाएगा नहीं, तो उसके साथ में आप उस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक का। मैं जेन्युइन हूँ, जेन्युइन लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करता हूँ, मेरे लोगों को परखने की शक्ति परफेक्ट है, मैं लोगों को आसानी से परख लेता हूँ, मैं लोगों को आसानी से जज कर लेता हूँ, तो मैं जेन्युइन हूँ, जेन्युइन लोगों को लाइफ में अट्रैक्ट करता हूँ। तो जो लोग बाग ऐसे हैं जो गलत किसी मकसद से आए हैं, कोई चीज फायदे को देखकर आए हैं आपके पास में, आपके बिजनेस के फायदे को देखकर आए, वो आउट होने स्टार्ट हो जाएंगे, आपका फ्रेंड सर्कल चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, तभी सफर मिशन का इस्तेमाल करोगे तो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। विद्या जी कुछ पूछना चाहती है? विद्या जी को मैं पूछिए। सर कभी कभी इच्छा नहीं होते, वो भी कभी कभी ख्याल नहीं रहता और हम किसी की बुराई कर देते हैं, फिर बाद में पछतावा होता है, तब वापस उनको ये करते अपनी अपना मन साफ कर सकते हैं? साफ कर सकते हैं, इससे मन साफ हो जाएगा। सबसे पहली बात तो जो हम क्या करते हैं, हम जाने अनजाने में लोगों की बुराई करते रहते हैं, सबसे मेन पॉइंट जो आपने। हाँ वही हो जाता है कभी कभार, वही हो जाता है, मालूम है नहीं करना है फिर भी हो जाता है, हो जाता है, पता है कि नहीं करना चाहिए लेकिन हो जाता है, हमारे इमोशन से ऐसे निकलना चाहते हैं, जब वो निकल जाएगा तो वो एनर्जी भी दूसरे वाले के पास में जाएगी, और जब उससे आपके पास में काम पड़ेगा, विचार आएगा, तो जो नेगेटिव एनर्जी है वो एक्टिवेट होती है। नहीं पर जैसे मैंने तीसरी की बुराई आपके पास की, तो आपका भी सॉरी बोलना और उसको भी बोलना, दोनों को बोलना क्या? आप उस इंसान को लिए कर लीजिए जिसके लिए आपने बोला है, दूसरा इंसान है जो बीच में है जिसके सामने बोला है, उसको क्लीन करने की जरूरत नहीं है, उसके मन में तो कोई फर्क ही नहीं है, जिसके लिए आपने बोला है उसके लिए क्लीन कर लीजिए। एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा डॉक्टर साहब, जो इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसका कोई पर्टिकुलर एक ही टाइम पे और एक ही जगह पे बैठ कर करना चाहिए क्या? नहीं, टाइम का एक जगह नहीं है, लेकिन जो अफर्मेशन है वो सुबह और शाम कम से कम 2 बार तो कंपलसरी होनी चाहिए। सुबह और शाम 2 बार? सुबह शाम 2 टाइम होनी चाहिए, एक बार सुबह उठते ही जब आप बिस्तर पे उठते हो, 3 से 4 मिनट लगते हैं सभी के अफर्मेशन में, पर्सनल अफर्मेशन करने के लिए, और शाम को सोते वक्त जो हम नींद में सोने वाले होते हैं, अगर नहीं है तो किसी वजह से टाइम नहीं लगता तो पहले का भी आप कोई टाइम कर सकते हो। अपने आप को बाउंड मत कीजिए कि भाई मैं सुबह 7 बजे ही करूंगा, 5 बजे ही करूंगा, शाम को 9 बजे ही करूंगा। उसमें क्या होता है, आदमी जब किसी वजह से टाइम नहीं मिल पाता है तो अपने आप में मायूस होने लगता है, यार आज मेरे को टाइम नहीं मिला। तो सर ये सगी 108 की माला ये कितने दिन तक करनी है लगातार?
100 जितनी आपकी प्रॉब्लम है, जितनी रिक्वायरमेंट है, उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए एक ज्यादा से ज्यादा बार कीजिए। आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाती रहेगी धीरे धीरे, तो कम कर सकते हो आप, लेकिन स्टार्टिंग में हमें 108 बार करना ही होता है उसको। कम से कम एक हफ्ता कीजिए, फिर कम कर सकते हो आप। और आपको लग रहा है कि आपकी ज्यादा प्रॉब्लम है, कुछ ऐसी इश्यू है, तो कंटिन्यू आप 10 दिन कीजिए, क्योंकि जिंदगी भर परेशान होने से अच्छा है कि 10 दिन 20 दिन हम उसको करके क्लीन कर दें। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच अनंतमल जी, थैंक यू सो मच। कहना चाहते हो विद्या जी? बोलिए। थैंक यू अनंतमल सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर आपको, आपने बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मन प्रसन्न रखने का प्रयत्न करेंगे। डेफिनेटली जो इन्होंने बात बोली है, मन प्रसन्न रखने का काम करेंगे। अभी एक बात याद आ गई मेरे को। बोलो बोलो। एक स्टूडेंट है जो हीलिंग सेशन अटेंड करता है मेरे पास में, नाम शेयर नहीं करूंगा मैं, ठीक है? नाम मेडिटेशन कीजिए, मन प्रसन्न रहेगा, मन प्रसन्न करता रहेगा। वो बोलते हैं कि जब से उन्होंने हीलिंग सेशन ज्वाइन किया, 47 ईयर के बाद उन्होंने हंसना सीख लिया। बहुत बड़ा मैजिक था उसके लिए, मेरे लिए बहुत खुशी की मोमेंट थी। वो बोलते सर मेरी उम्र 47 ईयर हो गई और मैंने हंसना सीख लिया, तो कितनी खुशी की बात होती है। जिस इंसान ने 47 में हंसना नहीं सीखा, आज वो अपने जीवन में हंसने लग गया, कितनी बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी बात होती है। तो जब इन टेक्निक को इस्तेमाल करते हो तो डेफिनेटली हंसना भी सीख लेते हो, रिलेशनशिप भी इम्प्रूवमेंट होते हैं, जीवन में आप ग्रोथ भी करते हो, सब चीजों की खुशियों की भरमार होने लगती है। पांच मिनट समय है अभी हमारे पास, किसी की कोई और जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो हम समापन की ओर चले। सर आपसे कॉन्टेक्ट करना हो तो नंबर कॉन्टेक्ट नंबर मैं शेयर कर देता हूँ, आप नोट कर लीजिए 8130-620-744। तब तक 5 मिनट है हमारे पास में, तो जब तक कौन-कौन है, जतनलाल, विद्या जी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर ही दिया ऑलरेडी, जतनलाल जी हमारे पास में जो हीलिंग सेशन लेते हैं, दूसरा वो कौन है, सनी लता जी। सर मैं और एक क्वेश्चन पूछूं क्या? एक मिनट के। बोलिए बोलिए प्लीज बोलिए। सर एक मैंने लास्ट ईयर मैंने भी वेलनेस सेशन में लास्ट ईयर मैंने पूरे सारे टेक्निक्स डिफरेंट सीखे थे। अभी मैं एनएलपी प्रैक्टिशनर हूं और मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूं और योगा सेशन मींस ऐसे मेरे कॉम्बिनेशंस में चलते हैं। तो ये हाथ के साथ हमने किया था ओपोनोपो का, ये एक साइकोलॉजिस्ट थे मुंबई से। तो इसका कुछ पर्पज है ऐसे कि एक यहाँ पे हाथ रख के ऐसे ओपोनोपो का हमने कुछ किया था? मुझे इतना डिटेल अभी याद नहीं, मेरे नोट्स में देखूंगी तो मुझे पता चलेगा, और मैंने प्रैक्टिस भी की थी। ऐसा कुछ है हाथ का कनेक्शन करके? ये आपकी टेक्निक है कि इमोशनल फ्रीडम टेक्निक है जिसे हाथ से टैपिंग से करते हैं, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक है। EFT तो टैपिंग से मैं करवाती हूँ, EFT मुझे पता है, मैं पूरी अच्छे से करवा लेती हूँ। EFT तो पूरे उसका डिस्टॉर्ट करने के लिए काफी सेशंस लिए मैंने मेरे EFT के। मैं ये ओपोनोपो में ऐसा कुछ हाथ के सहारे उन्होंने डॉक्टर शांभवी करके मुंबई से थे उन्होंने किया था, ये साइकोलॉजिस्ट। ओपोनोपोनो की दो ही टेक्निक है, जो एक नॉर्मल टेक्निक है एक एडवांस टेक्निक है। नॉर्मल टेक्निक के अंदर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, हम अपने लिए करते हैं, एडवांस टेक्निक के लिए दूसरों के लिए करते हैं, दो ही टेक्निक। एडवांस टेक्निक उन्होंने करवाई थी हमें, एडवांस टेक्निक को दूसरों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर करना है। अब उसने कैसे क्या इंक्लूड किया था आई डोंट नो, लेकिन दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर, दूसरा इंसान भी सामने वाला एनर्जी है, हम भी एनर्जी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर करेंगे तो वो एडवांस ओपोनोपोनो टेक्निक है। ओके ओके, मींस EFT इज द डिफरेंट ना, इससे EFT डिफरेंट डिफरेंट है इंडिविजुअल के लिए, क्योंकि वो पूरे उस वो भी इफेक्टिव टेक्निक लगी मुझे, मेरे क्लाइंट्स को काफी रिजल्ट आया उसमें भी। EFT के अंदर आप नेगेटिव इमोशंस है जैसे क्लीन है, आपको चिंता रहती है, उसको क्लीन करने में मदद करती है। खासतौर से जो मनी को लेकर जो बिलीफ होते हैं ना हमारे को, उसको रिलीज करने में मदद करती है मनी की। okay, जो मनी बिलीफ EFT में निकलता है सर? हाँ, मनी के अंदर जो मनी एक एक्सरसाइज होती है, मनी की फ्रीक्वेंसी को टेस्ट करने के लिए मनी फ्रीक्वेंसी टेस्ट बोलते हैं उसको। okay. जब उस टेस्ट को लेते हैं तो उसके अंदर कुछ नेगेटिव एनर्जी जनरेट होती है, पता लगता है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी पार्ट को लेकर हमें हमारे बिलीफ में। जैसे हमें लगता है, मैं एक एग्जाम्पल शेयर करता हूँ,
पैसा कमाना हमारे लिए आसान है या मुश्किल है? ओके कैसा रूपाली जी बताइए, पैसा कमाना आसान है मुश्किल है? वैसे आसान है और वैसे मुश्किल भी है, दोनों हो सकता है। तो डेफिनेटली आप एनएलपी करते हो तो आपको मालूम है, आसान इसलिए बोल रहे हो, जब लोगों से बात करोगे, किसी भी क्लाइंट से बात करोगे तो उनके लिए पैसा कमाना मुश्किल है। तो जो उसके नेगेटिव एनर्जी को क्लीन करने के लिए, जो ये करने के लिए एफटी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, और जो मनी फ्रीक्वेंसी टेस्ट है उसमें उस चीज को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं हम पार्टिकुलर, कि कौन कौन सी चीज एरिया के अंदर हमारी ब्लॉकेज है उसको पार्टिकुलर रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई विल कॉन्टेक्ट योर साथ साथ बोलिए। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का अनंत आनंद का अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो, इन शुभ भावनाओं के साथ। ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, आपके बहुत बहुत आभारी है, और आप जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं सबके बहुत बहुत आभारी है। अपना अपना अमूल्य समय निकाल कर हमारे साथ जुड़े, इसके लिए मैं एमपी के फिटनेस क्लासेस की तरफ से आप सभी का हृदय से हार्दिक आभार धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम। थैंक सभी को, आप सबको भी।